कौन सी गोट की ब्रीड देखने को मिलेंगी? यहाँ पर मिलेगी आपको टंडोलाया की पटेरी और इसके अलावा मक्का चीनी भी है, वो भी बता देंगे व्यूअर्स को। इसमें जो बकरियाँ रखी हैं वो हमने सेल आउट के लिए नहीं रखी हुई, बाकी जो बकरे रखे हैं वो तकरीबन हमने कहा है सेल आउट के लिए। डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड हमने 23,000 रखे हुए हैं। 23,000 रखी है जी। ठीक है, इसकी डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड हमने 25,000 रखे हुए हैं। ठीक है, बताएगा सही नहीं जी तो आज मिल गए। ठीक है, ये बताएं कि इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस है हमने 22,000 रखे हुए। अच्छा, अभी इंशाल्लाह इसके लिए। ठीक है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान जहांजीब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूवर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। एक बार फिर से हमारी टीम व्यूवर्स की खिदमत में एक वीडियो के साथ फिर से पेश है। आज हमारा विजिट है गडाप में, दरगाह उस्मान शाह के करीब। एक जगह पे हम लोग आए हुए हैं, गोट सेटअप पे आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को गोट से मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आइए सबसे पहले ऑनर की जानिब चलते हैं, मालूमात करते हैं कि वो किन किन ब्रीड के ऊपर गोट्स में काम कर रहे हैं और उनका तजर्बा कितने साल का है। तो आइए चल के ऑनर से बात करते हैं। आइए व्यूअर्स अंदर चलते हैं, चल के देखते हैं कौन कौन सी गोट की ब्रीड हमें देखने को मिलती हैं। तो ये इनका सेटअप है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ यहाँ पर बेबीज़ भी हैं गोट्स के। अब तो एंटर हो चुके हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? शुक्र। क्या नाम है आपका? मुनव्वर गुल नाम है मेरा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं हमारे व्यूअर्सों के यहाँ पर हमें कौन कौन सी गोट की ब्रीड देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मिलेगी आपको टंडोलाया की पटेरी और इसके अलावा मक्का चीनी भी है और राजनपुरी अपने पट्टे हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि आपने फीमेल्स के ऊपर काम किया नहीं, बकरियों के ऊपर, क्या वजह है इसकी? इसलिए कि हम चाहें कि अपनी प्रोडक्शन आते चलते गए और हमें अपनी जो है आगे नस्ल बढ़ाते गए ऐसे ही। अच्छा, बकरियों से आप नस्ल बढ़ाते हैं आगे। जी हाँ। तो वैसे कौन कौन सी नस्लों के ऊपर आपका फोकस है इस वक्त? राजनपुरी है और मक्खी चीनी है, इसके अलावा सुसन की दूसरी नस्ल है उस पर भी हम। ठीक है, बताइए जो आपने सेटअप यहाँ पर लगाया हुआ गोट्स का, इसको कितना टाइम हो गया? इसको तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं। 6-7 महीने हुआ। ठीक है, ये भी बताइएगा हमारे व्यूअर्सों की आपको कितना तजर्बा है इन गोट्स में। तकरीबन हमें ये समझे 1 साल का हो गया तजर्बा। 1 साल का तजर्बा। तो आपने अभी तक क्या क्या इसमें चीज़ें फेस करी, जैसे डिजीज़ क्या कौन कौन सी आपने देखी गोट्स के अंदर, और कौन कौन सी आपने ऐसी चीज़ें देखी जो गोट्स को दी जाती है इससे इनकी हेल्थ और मज़ीद इम्प्रूव होती है और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है? जी हाँ, डिजीज़ तो ये है कि एक तो कुछ बीमारियाँ आती हैं तो उसमें वो मसले होते हैं, दूसरे हमने इन पर अपना जो मकई होती है, फीड होती है और कच्ची घास जो होती है, अपना सूखी हुई घास और ये चीज़ें जो हम इनको प्रॉपर दे रहे हैं जिससे इनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। चलें हम आपके गोट्स हमारे व्यूवर्स को दिखाते हैं, आइए व्यूवर्स नज़र डालते हैं। तो व्यूवर्स सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को एक ओवरव्यू दिखाया जाए इनके सेटअप का। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रीड के गोट्स इनके पास मौजूद हैं। तो ये बताइएगा यहाँ पर इस वक्त कौन कौन सी नस्लें मौजूद हैं? इनमें पटेरी है, राजनपुरी है और मक्खी चीनी है। अच्छा, इसमें देख रहा हूँ कुछ साइज़ में बड़े हैं, कुछ छोटे, यानी कुछ अभी बच्चे हैं और कुछ जवान हैं। जी हाँ, कुछ इसमें 2 दांत हो चुके हैं, कुछ इंशाल्लाह 1-2 महीने में 2 दांत हो जाएंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पे कितने बकरे हैं और कितनी बकरियाँ? इनमें तकरीबन 6 बकरियाँ हैं और तकरीबन 22 बकरे हैं। 22 बकरे हैं और 6 बकरियाँ हैं। जी हाँ। अच्छा, ये बताएं कि इनमें सेल आउट के लिए कौन कौन सी आपने रखी हुई है और जो सेल आउट के लिए वो भी बता दें व्यूअर्स को। इसमें जो बकरियाँ रखी हुई हैं वो हमने सेल आउट के लिए नहीं रखी हुई, बाकी जो बकरे रखे हैं वो तकरीबन हमने काय सेल आउट के लिए रखे हुए हैं, जिसमें से जो बड़े बकरे हैं 2 दांत वाले वो भी सारे सेल आउट के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, 22 जो बकरे हैं वो सारे सेल आउट के लिए, जो आपने फीमेल्स रखे हुए गोट्स वो आप सेल नहीं करेंगे? वो नहीं करेंगे सर। ठीक है, तो आप व्यूवर्स को एक एक गोट करके दिखाते हैं और उससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। जी यहाँ पर जो हम गोट देख रहे हैं इसके बारे में बताएँ कौन सी नस्ल है? ये सिंध की नस्ल है, पटेरी। पटेरी नस्ल है। जी हाँ। ठीक है, इसकी एज बताएगा, इसकी उम्र कितनी है? इसकी तकरीबन ये है 14-15 महीने हो गए हैं, 2 दांत हो चुका है ये। अच्छा, 2 दांत हो चुका है। जी हाँ। ठीक है, तो ये बताएं इसकी प्राइस कितनी है? इसमें हमने इसकी रखी 25,000 रुपये प्राइस रखी हुई। 25,000 रुपये और हमारे व्यूवर्स के लिए? आपके व्यूवर्स के लिए हम 24 में दे देंगे। 24 में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में कौन सी ब्रीड दिखा रहे हैं? इसी की नस्ल की दूसरी है जो। जी यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स गोट देख रहे हैं इसके बारे में बताएं, ये कौन सी नस्ल है? ये भी सेम पटेरी नस्ल है, सिंध की। अच्छा, साइज़ में थोड़ी सी बड़ी लग रही है। जी हाँ, ये थोड़ी साइज़ में बड़ी है इससे। अच्छा, इसकी उम्र कितनी है? इसकी तकरीबन यही है 14-15 महीने है इसकी तकरीबन। ये भी 2 दांत हो चुकी है। ठीक है, डिमांड कितनी है इसकी?
इसकी हमने 26,000 रखे हैं। 26,000 जी, ठीक है। बताइएगा इसका वेट कितना होगा, लाइव वेट? इसका लाइव वेट तकरीबन है 40 से 42 तक होगा, मतलब आपको ये 20 किलो तक गोश्त आराम से हो सकता है। इसके अंदर 20 किलो का गोश्त हमें मिल सकता है जी। और 40 केजी आप बताएं इसका वजन है, लाइव वेट जी। और ये हम ये बताएं हमारे व्यूवर्स को फाइनल कितने की देंगे गोट? ये व्यूवर्स के लिए आपके फाइनल 25,000 दे देंगे, 25 में देंगे जी। जी ये बताएं आप कौन सी नस्ल दिखाना है हमारे व्यूवर्स को? हम एक सिंध की दूसरी नस्ल है, ये तो जग टाइप के इसका डिज़ाइन है। अच्छा जी हाँ, चलें दिखा दें, आपने एक्साइटेड कर दिया जी। ये है गोट जिसकी आप बात कर रहे थे, अजरक जी, जी बिल्कुल। इसका जो कलर है मिक्सिंग कलर, मिक्सिंग कलर है जी। अच्छा तो ये बताएं कि इसकी एज कितनी है? इसकी एज तकरीबन है 11 से 12 महीने, दो दांत नहीं हुई। अच्छा अजरक टाइप, तो आप इसको कलर की वजह से बोल रहे हैं, वैसे इसकी नस्ल कौन सी है? क्रॉस ब्रीड है ये जी, क्रॉस ब्रीड है ये जी, क्रॉस ब्रीड है। ठीक है, ये बताएं कि इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस है हमने 22,000 रखे हुए। अच्छा ये बताएं दांतों में दो दांत में आ गई है ये? अभी तक दो दांत नहीं हुई है। दो दांत नहीं हुई है जी हाँ, ईद तक इंशाल्लाह दो दांत में हो जाएगी। ठीक है बताएं अभी इसकी एज कितनी है? इसकी एज तकरीबन 11 से 12 महीने। ठीक है, और फाइनल हमारे व्यूवर्स के लिए कितने की है गोल्ड? ये आपके फाइनल व्यूवर्स के लिए 21,000 में हम दे देंगे, 21,000 में देंगे जी। जी अभी तक जितने भी हमने देखे सारे बकरे देखे हैं, ये भी बकरा है जी हाँ, ये भी बकरा है तकरीबन। ठीक है बताएं बकरा कितने का देंगे फाइनल हमारे व्यूवर्स के लिए? 21,000 रुपये में आपके फाइनल व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए 21,000 रुपये का जी। ठीक है, नेक्स्ट में कौन सा बकरा दिखा रहे हैं दोस्त? में यही सिंध का एक नस्ल पटेरी के हैं, वो आपको दिखा रहे हैं जी। ये कौन सी नस्ल का गोट है? ये सिंध का एक नस्ल है, अभी नाम से उतर गया है, वैसे ये पटेरी टाइप का, ये मिक्सिंग क्रॉस हुई है पटेरी से क्रॉस। अच्छा पटेरी क्रॉस बकरा ये जी हाँ। ठीक है बताएं एज में कितना है ये? तकरीबन दो दांत हो चुका है, 14-15 महीना का है ये तकरीबन। ठीक है, इसकी डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड हमने 25,000 रखे हुए हैं। ठीक है बताइएगा इसका वेट कितना होगा? इसका वेट तकरीबन 35-36 किलो केजी तक होगा। ठीक है, इसके फाइनल प्राइस बता दें हमारे व्यूवर्स के लिए? आपके व्यूवर्स के लिए हम 24,000 में दे देंगे, 24,000 में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में कौन सी ब्रीड दिखाना है? इसी की नस्ल की हम दिखा रहे हैं आपको, सिंध की जी। यहाँ जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, इस बकरे के बारे में बताएं कौन सी नस्ल का बकरा है? ये सिंध का मिक्स का है, क्रॉस हुआ हुआ। अच्छा क्रॉस ब्रीड है ये, सिंध की मिक्स है ये जी हाँ। ठीक है, इसकी डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड हमें 24,000 रखे हुए हैं, 24,000 जी। ये बताइएगा एज में कितना हो गया? ये तकरीबन दो दांत हो चुका है, 14 महीने का है। ठीक है, और अगर इसका वेट देखा जाए तो? इसका वेट तकरीबन ये है 34 से 35 केजी। ठीक है, फाइनल प्राइस बता रहे हैं हमारे व्यूवर्स के लिए? 23,000 में आपके व्यूवर्स के लिए, 23,000 में देना जी। ठीक है, अब ये बताएं नेक्स्ट में कौन सी दिखाएंगे हम? इसी में आपको दूसरी एक सिंध की नस्ल दिखा रहे हैं जी, इस बकरे के बारे में बताएं। ये भी सिंध की बहुत अच्छा बकरा है ये, और ये जो है इसका कलर बहुत प्यारा शेड है, बिस्किटी कलर है इसका जी हाँ, बिस्किटी कलर है, वाइट और बिस्किटी मिक्स। ठीक है, ये बताएं कि इसकी डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड हमने 23,000 रखे हुए हैं, 23,000 रखी है जी हाँ। ये बताएं दांतों में कितना, दो दांत में आ गए? ये दो दांत में हो चुका है, 14 से 15 महीने का है। ठीक है, और वेट के लिहाज से देखा जाए तो? वेट के लिहाज से ये भी तकरीबन ये है कि 16 से 17 केजी इसका गोश्त होगा, और अभी लाइव के इसका 35 होगा। ठीक है, ये बताएं कि इसकी फाइनल डिमांड कितनी हो जाएगी हमारे व्यूवर्स के लिए? इसकी वैसे हम 23 दे रहे हैं, आपके फाइनल व्यूवर्स के लिए हम 22,000 में दे देंगे। ठीक है, ये भी बताएं आप कौन सी ब्रीड दिखाना है? अब हम सिंध की एक और नस्ल है वो आपको दिखा रहे हैं जी। एक हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं वाइट और ब्राउन कलर में, इसके बारे में बताएं। ये सिंध का बहुत अच्छा बकरा है ये, माशाल्लाह से मतलब वाइट और ब्राउन कलर मिक्स है क्रॉस, और बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से इसका कलर है। अच्छा नस्ल कौन सी है इसकी? ये पटेरी से ही है, पटेरी से क्रॉस है जी। ठीक है बताएं कि इसकी डिमांड कितनी रखी है आपने? इसकी हमने 25,000 रखी हुई है डिमांड। ठीक है, इसका वेट कितना होगा? इसका वेट तकरीबन ये 37-38 मतलब 37-38 केजी अभी लाइफ है इसका, ये 18-19 केजी मतलब गोश्त इसका होगा। ठीक है बताएं फाइनल हमारे व्यूवर्स के लिए कितने का देंगे गोश्त? ये तकरीबन 24,000 में आपके व्यूवर्स के लिए देंगे, 24,000 का बकरा हमारे व्यूवर्स के लिए जी बिल्कुल। ठीक है, अब नेक्स्ट में कौन सा दिखाएंगे? नेक्स्ट में हम इसी की नस्ल के छोटे और हैं बकरे जो अभी तक दो दांत पूरे नहीं हुए जी। ये एक जोड़ी है बकरों की जी हाँ जी, इसके बारे में बताएं। ये अभी तक तकरीबन 11 से 12 महीने की हैं अभी, मतलब ये कि दो दांत नहीं हुई हैं, ये एक दो महीने में इंशाल्लाह दो दांत हो जाएंगे। अच्छा अभी दो दांत में नहीं आए हैं जी हाँ। ठीक है, ये बताएं कि इनकी डिमांड कितनी है?
ये हम तकरीबन 44 है हमारे मतलब दोनों जोड़ी जो है 44,000 की सेल कर रहे हैं जी हाँ। अच्छा ये बताएगा कि अभी तो अच्छा ये बताएं इसमें कहाँ तक गुंजाइश हो जाएगी हमारे व्यूवर्स के लिए? इसमें ये है कि हम आपके व्यूवर्स के लिए हम 42,000 में दे देंगे, फाइनल 42,000 में देंगे जी हाँ। कुछ और मजीद गुंजाइश नहीं हो सकती राउंड फी का? फिर भी अगर आता है तो फिर हम 40,000 में जो है ये आपके हाँ व्यूवर्स के लिए। ठीक है अब नेक्स्ट में कौन से दिखाना है? अभी हम उसी की सुन में दिखा रहे हैं कि वो भी दो दांत नहीं हुई अभी। यहाँ पे जो हमारे व्यूवर्स गोट देख रहे हैं बकरा, इसके बारे में बताएं कि ये कौन सी नस्ल है और इसका वेट कितना है, क्या ये पूरे दांत में आ गया मतलब दो दांत में आ गया और इसकी प्राइस भी बताएं। ये अपना सिंध का ही एक नस्ल है और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये आप जिसका वेट भी माशाल्लाह से बहुत बड़ा है और माशाल्लाह बकरा भी बहुत बड़ा है मगर ये अभी तक दो दांत नहीं हुआ है, अभी तक ये खीरा है और माशाल्लाह से इसका वेट तकरीबन 40 तक है, 40 kg तक लाइफ वेट। अच्छा लाइफ वेट इसका 40 kg तक है और ये खीरा अभी तक बिल्कुल अभी दांतों में नहीं आए जी हाँ। और माशाल्लाह से इसकी जो है आप हेल्थ से आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते अच्छा, हैं। अच्छा ये बताइएगा हमारे व्यूवर्सों के दांत कितने टाइम बाद निकालेगा? ये तकरीबन 1-1.5 महीने में तकरीबन ये हो जाएगा, दो दांत में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है बताएं इसकी डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड हमने 25,000 रखी हुई है। और हमारे व्यूवर्स के लिए? आपके व्यूवर्स के लिए हम इसका 23,000 में दे देंगे। ये बताइएगा बकरा ईद से पहले दो दांत में हो जाएगा? जी हाँ इंशाल्लाह ये बकरा ईद तक दो दांत में हो जाएगा, कुर्बानी के काबिल हो जाएगा बिल्कुल, कुर्बानी के काबिल भी हो जाएगा और इसकी एज भी पूरी हो जाएगी। ठीक है बताएं आप कौन सी ब्रीड दिखा रहे हैं? अभी इसी के एक नस्ल है वो भी तकरीबन अब छोटे से बकरे हैं जी। इस बकरे के बारे में बताएं, माशाल्लाह इसके पैर देख रहा हूँ मैं ब्लैक ब्लैक से हैं और अलग ही से इसकी ब्यूटी नज़र आ रही है जी हाँ बिल्कुल। ये वाइट कलर है और इसका जो है चेहरे पे बिल्कुल ब्लैक कलर का जो एक बिल्कुल शेप बना हुआ है और ये बहुत प्यारा बकरा है सिंध का। अच्छा नस्ल कौन सी है? ये मतलब पटेरी से क्रॉस हुआ हुआ है। ठीक है ये बताएं कि इसके दांत आ गए? जी हाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह दो दांत है अभी, दो दांत में ही है जी हाँ। ठीक है बताएं इसकी डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड हमने 24,000 रखी हुई है। ठीक है इसका वेट बता दीजिएगा? लाइफ लाइफ वेट तकरीबन ये है 36-37 मतलब 36 से 37 kg होगा इसको। अच्छा ये बताएगा कि फाइनल डिमांड कितनी हो जाएगी हमारे व्यूवर्स के लिए? आपके व्यूवर्स के लिए हम ये 23,000 में इंश्योर कर देंगे। ठीक है अच्छा ये बताएं कि कुर्बानी तक इसका और मजीद कितना वेट बढ़ जाएगा? अगर इंशाल्लाह इसके 1-2 महीने में अच्छी खिलाई पिलाई की तो ये 5 से 6 kg और ऊपर कर लेगा और इसका मतलब माशाल्लाह से मतलब 20 kg तक गोश्त आराम से आ जाएगा। ठीक है अब नेक्स्ट में कौन सा गोट दिखा रहे हैं? बकरा इसी का नस्ल है सिंध का, वो छोटे से बकरे में आपको दिखा रहे हैं जी। ये जो हम गोट्स देख रहे हैं इसके बारे में बताएं? ये सिंध का माशाल्लाह से प्यारा बकरा है बिल्कुल प्योर वाइट और इसके जो कान माशाल्लाह से लंबे कान वाला है। अच्छा ये बताएं नस्ल कौन सी? ये पटेरी से क्रॉस हुआ हुआ है। ठीक है ये बताएं इसकी डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड हमने तकरीबन 23,000 रखे हुए हैं। ठीक है लाइव वेट कितना है इसका? लाइव वेट तकरीबन इसका है 30-32 kg तक है। अच्छा दांत आ गए इसके? इसके तकरीबन अभी दांत नहीं आए, ये इंशाल्लाह तकरीबन बकरा ईद से पहले तक दो दांत हो जाएगा। बकरा ईद से पहले दो दांत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है बताएं इसकी फाइनल डिमांड कितनी होगी? फाइनल ये हम 22,000 में जो आपके व्यूवर्स के लिए जी। ये बताएं हमारे व्यूवर्स को जो आपने अभी गोट्स दिखाए, अभी तो ये रमज़ान मुबारक में प्रोग्राम चल रहा है और इसके बाद ईद आएगी फिर बकरा ईद आएगी, तो ये बताएं कि बकरा ईद के सीज़न तक यही प्राइस रहेंगे या प्राइस में वेरिएशन होगी चेंजेस आ जाएंगे? नहीं नहीं अभी तो ये हमने रखे हुए हैं इस प्राइस में, मतलब जब बाद में ये है कि पीछे से अभी हम आपको इस रेट में तभी प्रोवाइड कर देंगे जब आप अभी लेंगे, बाद में ईद के बाद अब रमज़ान की ईद के बाद तो फिर ऊपर से रेट जो पीछे से महंगे आएंगे तो लाजमी है कि हम भी ऊपर ही फिर महंगे ही देंगे और इस रेट में नहीं मिलेंगे जो अभी हमने रेट बताएं आपके नाज़रीन को। अच्छा यानी ये जो प्राइस आपने बता रहे हैं ये अभी के प्राइस हैं जी हाँ। बकरा ईद के सीज़न में जब आप दूसरे बकरे मंगवाएंगे तो उनके प्राइस डिफरेंट होंगे क्योंकि मार्केट के अगर प्राइस ऊपर नीचे होंगे तो फिर उस हिसाब से उनके प्राइस होंगे जी हाँ, क्योंकि पीछे से फिर रेट ऊपर आएंगे तो लाजमी है जब पीछे से हमें उस हिसाब से मिलेंगे तो हम भी उसी रेट में जो प्रोवाइड करेंगे जो पीछे से ऊपर आएगा। तो वो तो जाहिर सी बात है आप 30,000 का बकरा खरीद के 20,000 में तो नहीं बचेंगे, उस टाइम पर तो प्राइस अलग होगी डिफरेंट होगी। अगर 30 का लेंगे तो कम से कम भी आप 32 में देंगे 31 जी हाँ ये प्राइस चल रही होंगी क्योंकि वो एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं और इसके अलावा किराया वगैरह खर्च होता है, खर्चा हो जाता है और आना जाना वो चीज़ें हो जाती हैं। अगर अभी जो है आपके व्यूअर्स अगर हमें इसी रमज़ान में रब्ता कहते हैं तो उनके लिए हम इसी रेट में दे देंगे, अगर फिर जो है जैसे ही जैसे ईद करीब आती है तो बकरे के रेट भी उस हिसाब से ऊपर चले जाते हैं और डिमांड भी उनकी ऊपर चली जाती है। जो अगर आपकी व्यूअर्स अगर फौरन अभी 1 वीक में अगर रब्ता करते हैं तो इंशाल्लाह हम उनको उसी रेट में देंगे और अगर लास्ट में जो अगर
एक दो महीने के बाद रब्ता करेंगे तो आप उसके लिए फिर रेट जो है हमारे उस हिसाब से मिलेगा। अच्छा, ये जितने भी आपने गोट्स दिखाए इसमें जो खीरे भी आपने दिखाए बकरे, तो इंशाल्लाह वो बकरे तक तैयार हो जाएंगे? जी हाँ इंशाल्लाह, वो तकरीबन इनकी एज भी हो जाएगी और ये दो दांत भी हो जाएंगे जो खीरे हमने दिखाए हुए, क्योंकि इनकी तकरीबन अभी भी एज ये है कि ये साल के हो गए, मगर जो बकरे जो हैं कुछ बकरे 14 महीने में दांत तोड़ते हैं, कुछ 13 महीने में, कुछ 15 महीने में, तो इंशाल्लाह ये जो है एक दो महीने में ईद के बाद जो है ये तकरीबन सारे जो दो दांत हो जाएंगे और इसका वेट भी ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि ये तो आपकी गोट्स देख लिए, स्टार्टिंग में जब हम बाहर से अंदर आ रहे थे तो हमें कुछ छोटे बकरों के बच्चे भी नज़र आए थे, छोटे माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे थे, मैं चाहूँगा एक नज़र व्यूवर्स को वो भी दिखा देते हैं। जी जी बिल्कुल, हमने यहाँ पे बकरे रखे हुए हैं, बकरियाँ हैं उनसे साथ बकरे रखे हुए हैं छोटे से, वो भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल, चलो नज़र डालते हैं, आइए। तो व्यूवर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से सारे गोट्स जो हैं अभी लूसन खाने में मस्त हुए हैं, बिजी हुए हैं, तो मालूम करते हैं कि कौन कौन सी नस्लें हैं। अच्छा, ये बताएं जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं गोट के बेबीज, ये बताएं कौन कौन सी नस्लें हैं इसमें? ये राजनपुरी नस्ल है और इसके साथ नागा से क्रॉस हुई है और ये तकरीबन 1-1.5-2 महीने के अभी बकरे हैं। 1-2 महीने के? जी हाँ, इनमें से 4 बकरे हैं और 2 बकरियाँ हैं। अच्छा, तो क्या ये फॉर सेल के लिए हैं या फिर आपने अपने शौक के लिए? ये अभी हमने शौक के लिए रखी हैं और इसकी इंशाल्लाह आगे बढ़ा के इसको बाद में सेल के लिए सोचेंगे, अभी इंशाल्लाह इसके लिए। ठीक है, आपने अपने शौक के तौर पर रखे हैं। जी हाँ, अगर इस किस्म की कोई डिमांड करता है कि उनको बेबीज़ चाहिए तो क्या आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं? देखते हैं, अगर हम तो अपने हिसाब से उनसे बात करेंगे, आपस में मशवरा करेंगे और अगर कोई ज़िद करता है तो फिर हम उसको अपने हिसाब से रेट में दे देंगे। अच्छा, एक आइडिया प्राइस बता देगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से कि इतने बड़े जो छोटे बेबीज़ होते हैं गोट्स के उनकी प्राइस क्या चल रही हैं इस वक्त? देखिए, अगर वो अपनी नस्ल के हिसाब से राजनपुरी नस्लें हैं जो, वो तो 6-7-8 हज़ार का बकरा मिलता है छोटे से, और कुछ जो हैं अगर वो सिंध की नस्ल है तो फिर वो 5,000-4,000 तक मुख्तलिफ प्राइस में मिल जाते हैं, यानी 5,000-8,000-7,000। जी हाँ, प्राइस चलने हैं। जी हाँ, ये तो माशाल्लाह से 1-2 महीने के बकरे। जी व्यूअर्स, तो ये था मुनव्वर साहब के गोट्स का सेटअप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। यहाँ पे हमने मुख्तलिफ ब्रीड देखे और यहाँ पे हमने अच्छे गोट्स भी देखे, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे लगे, आप लोग कमेंट्स में बताएं आपको कैसे लगे गोट्स। तो हमारी कोशिश ये थी कि आप लोग को बकराई से पहले कम से कम कीमत में गोट्स मिल जाए, तो हमारी कोशिश ये होती है कि आपको अच्छी कीमत में अच्छे बकरे मिल जाए, तो हम लोग इसलिए विज़िट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर जाके। आज भी हम गडाब साइड पर आए हैं तो इन साहब से हमने मालूमात करी, तो अब इनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं, थोड़ी सी लोकेशन भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। जी, सबसे पहले तो अपना नाम बता दें व्यूवर्स को और फार्म का भी नाम बता दें। मेरा नाम मुनव्वर गुल जोखियो है और मेरा फार्म का नाम GMY फार्म हाउस है, गोट फार्म हाउस, और ये तकरीबन गडाब के रोड पे ही है, गडाब टाउन में। कभी भी आपके मतलब इजी फॉर्म अगर अच्छा कोई व्यूवर आना चाहे तो कौन सा रास्ता उनको? मतलब ये सुपर हाईवे से आप आएंगे, बकाई यूनिवर्सिटी है, बकाई हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड से आप सीधे रोड पर आएंगे, 7-8 किलोमीटर पर ये एक दरगाह उस्मान शाह है और उसके बिल्कुल पास में ही ये गोट फार्म है। जी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं व्यूवर्स के साथ। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03228261807। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर व्यूवर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे इंशाल्लाह आप जो भी मजीद गुंजाइश होगी कर लेंगे। जी जी बिल्कुल, आपके व्यूवर्स के लिए जो भी गुंजाइश होगी इंशाल्लाह वो कर देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। जी व्यूवर्स, तो आज आप व्यूवर्स के लिए हम लोग यहाँ गडाब टाउन में आए थे दरगाह उस्मान शाह के करीब, जो कि आप लोग अगर सुपर हाईवे से लेफ्ट साइड पे टर्न करते हैं बकाई हॉस्पिटल के रोड से आप सीधे सीधे 8-9 किलोमीटर जब तक आते हैं तो यहाँ पे दरगाह उस्मान शाह के नाम से एक जगह जानी जाती है, जहाँ पे अंदर आके यहाँ पे गोट फार्म लगता है। तो यहाँ पे आप व्यूवर्स के लिए विज़िट किया था, कोशिश ये थी हमारी कि आप लोग को अच्छी कीमत में कम से कम कीमत में गोट्स मिल जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स के आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा आप व्यूवर्स को। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके के प्रोग्राम आप लोग के लिए करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इंशाल्लाह हमारी टीम फिर आप लोगों से मिलेगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह ताला आप तमाम व्यूवर्स को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम व्यूवर्स को आप लोग के अहले खाना के साथ खुश रखे। जज़ाकअल्लाह, आमीन, अल्लाह हाफिज़।